हम लोगों ने एक रिक्शा ले लिया और होटल की तरफ बढ़ गए। और जो चीज़ मैं दिखा नहीं सकी वो ये है कि गाड़ी में बैठ के मैंने दिविशा को थोड़ा सा पानी पिलाया, थोड़ा सा दूध पिलाया। थोड़ा दूध पीते पीते ही उसने जो उल्टी की हम बहुत डर गए। प्रेशर दे देंगे नहीं, एकदम स्ट्रेट, सिर्फ ऐसा लग रहा था फ्लो से सारा पानी दूध सब बाहर आ रहा था। उसको देख के हम घबरा गए। घर में फोन किया तो मम्मी ने कहा कि गर्मी चढ़ गई, या गर्मी लग जाने से ऐसे बच्चे उल्टी करते हैं, और बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस होटल जाके हम लोग थोड़ा सा आराम करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। तो हम एज़ यूज़ुअल होटल आ गए और बिल्कुल बहुत अच्छे से आराम किया। Later that same evening. हम जा रहे हैं अभी बाबा के दर्शन करने के लिए, जिसके लिए हम आए हैं। बीवी हमारी बाहर है, इंतजार कर रही है वो भी। वक्त हो गया था काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए निकलने का, जिसके लिए हम वाराणसी आए थे। तो हम लोग निकल चुके। फिर आप इनके साथ ही हो जाइए, हम आपको फॉलो करते हैं। मेरा ज्वेलरी दिखाओ पीछे से। आज तो मैं एकदम उतनी सजी हूँ। आज तो लगता है तुमको ही देखेंगे, मुझे तो देखेंगे नहीं। हाँ चिनो, गाना सुनोगे? You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy, you make my day. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy, you make my day. You are my chunni, you are my chunni. सचिन जी जो पंडित जी हैं वो भी हमें मिल गए थे। तो इतने सारे लोग मिलके मंदिरों के दर्शन करा रहे थे, बट जो डिवाइन फीलिंग आई अंदर जाके, शिवलिंग को, शिव जी को, बाबा का पूजा हम लोग कर रहे थे, जब छू रहे थे, ये अनरियल फीलिंग था, एक अलग डिवाइन फीलिंग था। और जैसे ही हम लोग मेन मंदिर की तरफ बढ़ने लगे, दिविशा अचानक सो गई। जब हम आरती कर रहे, हम पूजा कर रहे थे, जो सब चीजों के दौरान दिविशा बस सोती रही सोती रही सोती रही। A few moments later. हम कहाँ जा रहे हो? कहाँ? घर। दिविशा को हम लोगों ने होटल भेज दिया वापस, क्योंकि हमें पता था कि इससे ज़्यादा उसको इस गर्मी में घुमाएंगे तो उसकी तबीयत वाकई में और बिगड़ जाएगी। तो उसके बाद वहाँ का जो लोकल ऑटो था वहाँ पे बैठ के हम लोग चले गंगा किनारे। भोलेनाथ की नगरी काशी, काशी विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए ये हमारा ये ट्रिप था। आज फाइनली विश्वनाथ का दर्शन हो ही गया। होटल से निकलने से पहले भी ऐसा लग रहा था शायद हम आ नहीं पाएंगे, या शायद मुझे होटल में रुक जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरी बेबी बहुत क्रैंकी हो रही थी। पर थोड़ी देर उसको आराम कराने के बाद वो ठीक हो गई और फिर हम लोग निकल पड़े। काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर प्रवेश निषेध है कैमरा का, तो इसीलिए कैमरा हमें बाहर ही छोड़ना पड़ा। अंदर थोड़ा बहुत लोगों ने हमारा फोटो खींचा, तो उस फोटो को ही मैं दिखा दूंगी ताकि आप देख सके कि अंदर हमारा दर्शन कितना अच्छा, कितना बेहतरीन था। वाओ, एक्चुअली बहुत बहुत आनंद मिला। एक्चुअली जब हम 2-3 साल पहले जब आए थे तब हम पूजा नहीं कर पाए थे, इस बार हम बाबा का पूरा पूजा कर पाए। जब मैं छोटी थी तब इस तरीके से बाबा के सर पे हाथ दे के पूजा होता ही था, मतलब ऐसे ही होता था। तो इसीलिए पहले मैंने बहुत बार किया, तो इसीलिए इस बार जब करी तो मेरे जहन में बात आई कि ऐसे मैंने पहले किया हुआ है, और मेरी नानी ने कहा था कि वो इस तरीके से पूजा देने गई थी और वो गिर गई थी शिवलिंग के ऊपर, उनका सर पे चोट आया था। तो ये सारी बात मुझे याद आई, तो इसका मतलब पहले होता था। तो हमारे हाथ में बिल्कुल चंदन, हल्दी, घी का लेप है, सिंदूर, जिससे हमने शिवलिंग को लेपा। तो गुरमीत ने तो अभी तक हाथ नहीं धोया, क्योंकि ऐसा कहा गया कि आप जो भी मांगते हैं तो आपके हाथ में सिंदूर जब तक ये है तब तक आप मांग सकते हो, और उसके बाद आप धो ले। पर मेरी छोटी सी बेबी है और वो मेरे पास ही है, तो इसलिए मुझे मेरा हाथ धो लेना पड़ा। और भगवान को सब कुछ पता है। इनफैक्ट इस बार तो मुझे ऐसा लगा कि मैं सिर्फ भगवान को
ग्रैटिट्यूड अर्पण करने आई थी। सिर्फ मैं खड़े खड़े बोली थैंक यू एंड अ लॉट ऑफ थैंक यू। दर्शन के टाइम पे मुझे सचिन पुजारी जी मिले, उन्होंने बहुत बहुत हेल्प की, बहुत अच्छे से पूजा की और मुझे लगता है कि ये बाबा जी का आशीर्वाद ही था कि इतने अच्छे से हमें अच्छे लोग मिले और अच्छे से दर्शन हुआ। सचिन पुजारी हमारे साथ ही है। सचिन जी हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो अभी हम लोग जा रहे हैं दशाश्वमेध घाट में तो वो देखने के लिए। तो आरती शुरू होती है शाम को 7 बजे, लेकिन उससे पहले ही पहुंचाना पड़ता है वहाँ पे बैठ के अपना यू नो जगह ले लेना पड़ता है। पिछली बार आपने देखा होगा हम लोग नाव में घूम घूम के दर्शन किया था, इस बार हम लोग शायद घाट में बैठ के दर्शन करेंगे। तो फाइनली हम लोग नाव में बैठने जा रहे हैं और ये जो है जर्नी ये मेरा फेवरेट है। दशाश्वमेध घाट उधर है ना, उस साइड जाना है। हाँ एक्चुअली ये वो वीडियो है जो अगर आप दशाश्वमेध घाट तक पहुंचने तक का भी वीडियो देखेंगे तो आपको काशी नगरी का जो मेजर चीजें हैं वो आपको देखने को मिल जाएगी अलॉन्ग विथ एक्सप्लेनेशन जो हमें पंडित जी कर देंगे साथ में, क्योंकि पिछले बार केवट भैया ने किया था सारा एक्सप्लेनेशन, इस बार सचिन पंडित जी करेंगे ऑल द डिटेलिंग। हाँ वो 10 का बोला तो उसने 20 बोल दिया, 20 कर दिया 10 का दो बच्चे ऑनेस्ट हो, इसलिए मैं तुम्हारे से दो दो लूंगी, दो दो मेरे लिए, दो भैया के लिए, दो दो क्यों बोलो तो तुम ऑनेस्ट हो इसलिए। ऑनेस्ट हिंदी में बोल दो, क्योंकि तुम ईमानदार हो इसीलिए, तुम सच्ची हो इसीलिए, और दो दो। जब मैं कम फ्रॉम हियर, बाय बाय। गंगा किनारे से हम लोगों ने वो खरीदा दिया जो नदी में बहाते हैं, बोलते हैं कि आप अपना प्रेयर उसके साथ गंगा मैया को अर्पित करते हो। हम जो जो मेन मेन घाट है हम सब घाट के बारे में बताते रहेंगे। टाइम से बहुत प्रहलाद घाट है, बहुत प्राचीन घाट है, यहाँ जितने भी घाटे हैं सब प्राचीन घाटे हैं। सब ने राजा ने जो यहाँ के राजा थे सबके नाम से इन्होंने दान दे दिया सबको। अल्लयाबाई घाट, दशमित घाट, दशमित राजा दशरथ का घाट है, अल्लयाबाई घाट है। अल्लयाबाई को स्वप्न आया था कि आप इलाहाबाद में स्नान करोगे तो आपको काशी विश्वनाथ आपको गोद में मिलेंगे, तो आप काशी में आके उनको स्थापना करेंगे, तब उनका अल्लयाबाई का घाट, इससे अल्लयाबाई वहाँ स्थापना हुआ। हर घाट पे यहाँ एक नारद घाट है। अच्छा। नारद घाट पे वरदान दिया गया पति पत्नी साथ में नहाएंगे तो हमेशा जीवन भर लड़ाई होगा। अच्छा। उन्होंने श्राप दिया है कि पति पत्नी यहाँ कभी भी साथ में नहाना नहीं है। और ये भी है संकटा घाट, यहाँ पे माता संकटा जी का ऊपर मंदिर है, यहाँ पे साक्षात माता रानी विराजमान है। एक टाइम ऐसा था जहाँ पे शेर सातों शेर एक साथ घूमता था राउंड, वहाँ के लोग डर जाते थे भोर में 4 बजे, तब से उनको पिजड़ा में बांध दिया गया, एक शेर को पिजड़ा में। तब से शेर एक ही शेर आता है, नॉर्मल आते हैं, एक परिक्रमा करेगा माँ का चला जाता है। दिखता था सब। हाँ भोर में लोग दहाड़ उसका निकलता था। साक्षात माता रानी संकटा जी हैं विराजमान है और उनको आप साक्षात रूप में देखेंगे जैसे लगे अब बोल देंगे ऐसा लगता है, एकदम मतलब अद्भुत ही। उनका बस नाम सुन के रोआ खड़ा हो जाता है, इतनी है उनके में जागता। उनके हाथ से एक फूल भी मिल गया माँ का, आपका नैया पार है। ये है भैया काशी करवट, ये एक माँ एक बेटे की कहानी है। एक माँ बोलती है अपने बेटे से तुम मेरे दूध का कर्ज पूरा करोगे, बेटे ने बोला मैं आपका दूध का कर्ज पूरा करूंगा, तो माँ ने बोला जा मेरे लिए मंदिर बना। तो उन्होंने मंदिर बनाया, जैसे ही मंदिर बनाया कहे मैं आ रहा हूँ पूजा की थाली लेके। पूजा की थाली जैसे लेके आती मंदिर टेढ़ा, तो इसलिए कहा गया बेटा जितना भी बड़ा हो जाए माँ का दूध का कर्ज कभी पूरा नहीं कर पाएगा, इसलिए काशी करवट है। ये मंदिर पानी टेढ़ा है काशी करवट, पानी बाद में चढ़ गया कि पहले मंदिर नीचे था? ऐसे जब से मंदिर बना है तब से टेढ़ा है। और पानी बाद में आया कि पहले? पानी बाद में आया। आपका ये सब डूब जाएगा, ये देखिए भैया मड़किन का घाट है, पूरा डूब जाएगा, पूरा पूरा पूरा। अच्छा पहले पानी और पीछे होगा तब मंदिर बना होगा। हाँ सब सब ये भैया देखिए मड़किन का घाट, पहले मंदिर जब बना होगा तब पानी नहीं होता। यहाँ प्रणाम कर लीजिए, यहाँ प्रणाम कर लीजिए, ये है यही सत्य है, यही सत्य है, मड़किन का घाट यही है। यहाँ पे 24 आवर डेड बॉडी जलती है, 24 आवर्स कभी यहाँ डेड बॉडी शांति होती है। और ये देखिए काशी, ये मोदी जी ने कॉरिडोर बनाया यही विश्वनाथ मंदिर का। और मैंने सुना यहाँ पे कभी आग बुझती नहीं। हाँ 24 आवर डेड बॉडी जलती है, महादेव ने इनको वरदान दिया है ना,
इस घाट का नाम मणिकर्णिका इस पे पड़ा। शंकर और पार्वती जी यहाँ पे कुंड है, कुंड में स्नान करे तो जिसके पश्चात माता रानी का हाथ का कुंड उबावेगा बाबा का गले का कुंड में गिर गया, तब उन्होंने शंकर जी ने श्राप दिया यहाँ पे डेड बॉडी 24 आवर्स जलती रहेगी। उन्होंने बहुत खोजा माँ का कुंड और हाथ का कड़ा नहीं मिला, तो शंकर जी गुस्से में आके उन्होंने बोल दिया यहाँ पे डेड बॉडी 24 आवर्स जलती रहेगी, मेरा यही वरदान है, यहाँ कभी अग्नि शांत नहीं होगी। ये ऊपर में राजराजेश्वरी मंदिर है माता रानी बनाया ना पूरा, हाँ पूरा, हाँ कॉरिडोर है पूरा। मोदी जी आके यहाँ स्नान करते हैं, यहाँ स्नान करते हैं मोदी जी तो जाते हैं फिर मंदिर दर्शन करने। ये को अपने भोले राम का मंदिर है ना? हाँ, काशी विश्वनाथ मंदिर है, यहाँ पे दर्शन किया। हाँ, शॉर्ट पूरा सीधा निकल जाता है। हाँ, इधर से ये भैया ऊपर नेपाली मंदिर है, जो पशुपति मंदिर है, पशुपति वही मंदिर है ऊपर, नेपाली मंदिर। अच्छा, जो नेपाल में स्थित है ना वही मंदिर ऊपर भी है पशुपति, लकड़ी का बना हुआ लाल लाल पूरा रेड है पूरा लकड़ी का बना हुआ है पूरा रेड है पूरा सेम पूरा लोकेशन जैसे वहाँ पे। कितने साल सब मंदिर पुराने होंगे? कई हजारों साल पुराने, हजारों साल पुराने मंदिर होंगे। बहुत पहले के राजा महाराजा उन्होंने सबको दान दे दिया है। हम लोग एकदम सेंटर में बैठे हुए थे, जो आरती होती है जिस गंगा आरती जिसके लिए फेमस है, तो उनमें से जो बीच वाले पंडित जी हैं जिनके सामने शिव जी की मूर्ति रखी हुई है, हम वहीं पे बैठे। और उसके भी स्पेशल बात है कि हमसे जाके आरती कराया गया, आगे जाके हम लोगों ने गंगा आरती की। आई थिंक दैट वॉज द मोस्ट सरियल फीलिंग। जब हम आरती कर रहे थे गंगा नदी के, वहाँ पे इतने सारे लोग थे, आप जब देख सकते हैं कि नाव में लोग आ जाते हैं तो एक्चुअली गंगा नदी दिखती नहीं है, लगता है कि लोग जमीन पे बैठे हुए हैं। इतने लाखों लोग, लाखों के आसपास लोग होंगे ऑब्वियसली, और सब आरती देख रहे थे। और बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड है, क्योंकि इतने सालों से हर एक दिन ये गंगा आरती होती है और हर एक दिन लाखों की तादाद में लोग पहुंचते हैं, और हर एक दिन बिना किसी दिक्कत के लोग आते हैं, आरती देखते हैं और चले जाते हैं। सो आई वुड से हैट्स ऑफ टू द ऑर्गेनाइजर, जो बहुत ही अच्छे से इस चीज़ को ऑर्गेनाइज करते हैं। सब कुछ के पीछे महादेव की बहुत कृपा है और उनका कहीं ना कहीं वो वहाँ पे एक अनुभूति है जिसके लिए सब कुछ इतना सीमलेसली चलता है।
हम एक जगह पे बैठे हुए हैं जहाँ पे हम दोबारा आ चुके हैं। यहाँ पे फैमिली के साथ आए थे, मतलब इससे पहले हम यहाँ आ चुके हैं। इस जगह का नाम है बाटी चोखा और यहाँ पे लोग आते हैं बाटी चोखा खाने के लिए। और यहाँ कूद कूद के आई जीविता और बोली मैं तो बाटी चोखा नहीं खाती। तो अभी देखते हैं कि हम यहाँ जीविता के लिए क्या मिलता है। अच्छा, अलग अलग चीज भी है, खिचड़ी भी है, खिचड़ी चोखा, कर्ड, घी, पापड़, टिक्को, खिचड़ी भी देंगे ना, पराठा कॉम्बो, कड़ी चावल है, थाली स्पेशल, पोर्ट वेजिटेबल, पनीर एंड सीजनल, दाल राइस, फोर पीस रोटी, सैलड, की रायता, बहुत कुछ है। तो मैं सोच रही हूँ क्या खाऊँ। सत्तू 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 वाला कुछ खाते तो हाँ, मैं लूंगा सत्तू तो पीऊंगा, प्रोटीन पियोगे क्यों? यहाँ पे वो है सत्तू रोटी, सत्तू का पराठा, पराठा और सत्तू का वो है पनीर पराठा। तो नहीं तो लिट्टी चोखा खाओ। लिट्टी चोखा आप क्या लिखना है? लिट्टी चोखा इतना क्यूट मेन्यू है, इसको बंगाली में कुलो बोलते हैं, हमारे बिहार में सौंफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हरी मिर्ची का चटनी खा के देखो, तो बड़ा हाँ किया है पतले सी चीज के लिए। वेरी स्पाइसी, वेरी टेस्टी। हम इतने भूखे हैं, हम लोगों ने सुबह किया है ब्रेकफास्ट लंच, उसके बाद कुछ नहीं खाया, सिर्फ चले हैं चले हैं चले हैं। ये बिल्कुल हमारे डाइट के मतलब दूर दूर तक भी नहीं है। मेरी डाइटिशियन देखेगी ना, मुझे फोन करेगी। इसे तोड़ना पड़ता है ना, ना तोड़ना, तोड़ के फिर लेना पड़ेगा। तो उसकी चप्पल नहीं है, वो घाट पे छोड़ के आई है और हम लोग और हिल नहीं सकते। कल सुबह प्लान है 5 बजे निकलने का सनराइज देखने का, तो साथ में चलिए देखते हैं कितना हम सनराइज देखते हैं और थैंक यू कल का दिन कैसा जाता है। बाय।